जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिजली बिल निकालने का जो गणित है वो क्या है। आप कैसे अपने घर का बिजली बिल खुद से निकाल सकते हैं, उसके पीछे का गणित क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सब्सक्राइब OSP इंडिया एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जो बिजली बिल हम लोग देते हैं, जो बिजली बिल पे करते हैं, वो किस चीज में पे किया जाता है। तो बिजली बिल हमेशा किलोवाट आवर में पे किया जाता है, और किलोवाट आवर को ही 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। जब हम लोग बिजली बिल पे करते हैं तो उसका कुछ चार्ज होता है, 2 रुपए यूनिट, 3 रुपए यूनिट, 4 रुपए यूनिट, और प्लेस टू प्लेस ये चेंज करता है। तो किलोवाट आवर जो होता है, मतलब 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट माना जाता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर हो गया। अच्छा, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा 1 किलोवाट आवर क्या है। तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो बिजली बिल निकालने के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यानी 1 किलोवाट को जब आप घंटा में तब्दील करते हैं, उसको गुना करते हैं 1 किलोवाट को घंटा से, तब जो आपका कैलकुलेट होकर जो नंबर आता है वो होता है आपका 1 यूनिट। तो चलिए समझते हैं उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग बिजली बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, 10 बल्ब जला रहे हैं, 5 घंटा के लिए जला रहे हैं, ठीक है, तो आपका कितना यूनिट बिजली उठेगा एक दिन के अंदर, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए या आपको ये कैलकुलेट करना हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1000 वाट को किलोवाट में बदलेंगे, क्योंकि हमको किलोवाट इंटू आवर करना है। अच्छा, 1000 वाट को हम किलोवाट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, बाजार से जब हम लोग कभी 500 ग्राम आलू लाने जाते हैं, तो हम जनरली दुकानदार को बोलते हैं कि आधा किलो आलू दीजिए। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि 500 ग्राम हमको आलू लेना होता है, और उसको जब हम किलो में बदलना चाहते हैं तो हमें उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 500 बाय 1000 जब हम करते हैं तो वो आ जाता है 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब आधा। इसलिए जब हम लोग बाजार से आलू लाते हैं 500 ग्राम, तो हम लोग बोलते हैं हमें आधा केजी आलू दीजिए या आधा किलो आलू दीजिए बोलते हैं। उसी प्रकार से जब हमको 100 वाट दिया हुआ है, उस वाट को हमको किलो वाट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 1000 से, ठीक है। 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आएगा मेरे पास 0.1। क्या आ जाएगा, 0.1 किलो वाट। तो 0.1 किलो वाट जो है मेरा एक बल्ब लेता है। तो इस प्रकार का मेरे पास 10 बल्ब है, तो इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0.1 किलोवाट आवर इंटू 10 करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट, ठीक है। और 1 किलोवाट को हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 घंटा हम रोज जला रहे हैं, तो किलोवाट आवर हो जाएगा, 5 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 किलोवाट आवर। अब जो ये 5 किलोवाट आवर आपको दिख रहा है, ये 5 किलोवाट आवर आपका क्या है, 5 यूनिट है, ठीक है। तो अब जो बिजली बिल आपका एक दिन में उठेगा वो 5 यूनिट हो गया। अब 5 यूनिट का जो रेट होगा आपके इलाके में, वो उस रेट के हिसाब से आपका बिजली बिल कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप चाहे तो देखिए, हम लोग जब भी मार्केट से कोई भी डिवाइस खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर में ये लिखा होता है कि वो कितने वाट का है। आप कोई भी डिवाइस को देखिए, बल्ब से लेके एसी से लेके फ्रिज तक, हीटर कूलर, हर चीज में लिखा होता है कि वो कितने वाट का है और आप उसे कितना घंटा यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने घड़ी से मिला सकते हैं, उस वाट को किलो वाट में बदलिए, जितना घंटा इस्तेमाल करते हैं उससे आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको निकल जाएगा कि आपका कितना यूनिट बिजली बिल उठा है, और फिर आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना प्राइस होगा उस बिजली बिल के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।